Hello students, today in our English class we are going to start our unit 9 poem books. तो चलिए start करें. come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. कहते मुझे library की door ने क्या कहा, अंदर आओ अंदर आओ. और जैसे ही मैंने इसको open किया, खोला door को, मैंने देखा सामने क्या, books का बहुत बड़ा galore. galore का मतलब होता है abundantly कोई भी चीज़ होना, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में किताबें देखी. टोल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स, कहते बहुत लंबी लंबी, स्किनी का मतलब होता है बहुत पतली पतली बुक्स, अप हाई मतलब ऊपर शेल्फ्स पे, शेल्फ समझते हो ना, जहाँ पे कोई भी चीज़ रखी जाती है, एक मुंडेर सी बनाई होती है, तो उनके ऊपर मैंने बुक्स रखी देखी. लिटल फैट बुक्स, छोटी और मोटी बुक्स, दैट स्टूड बाय देमसेल्फ, जो कि अपने आप खड़ी थी. आपको पता है ना कि जैसे ये छोटी और मोटी बुक्स होगी ऐसी, वो अपने सहारे पे खड़ी हो सकती है, लेकिन जो ऐसी पतली सी स्किनी बुक है वो नीचे गिर जाएगी, तो उसको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है. आई ओपनड वन अप, मैंने एक बुक को खोला. एंड सेट डाउन टू लुक, और मैं वहीं पे बैठ गया उस किताब को देखने के लिए. द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, कहती उसमें जो पिक्चर्स बनी हुई थी वो मुझे सारी स्टोरीज बता रही थी. व्हाट वंडरफुल बुक, कि वो किताब है जो कितनी अच्छी किताब है, ये बात मुझे उसकी पिक्चर्स देख के ही समझ में आ गई थी. चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स. हाँ जी, चैप्टर बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है हमारे पास वर्ड मीनिंग लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मैंने आपको बताया गैलोर ऑफ बुक्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे किताबें रखी होती है ऐसी जगह को लाइब्रेरी. वाइड मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा या बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में फैला हुआ, जिसको हम ब्रॉड भी कहते हैं. गैलोर इन अबंडेंस, गैलोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में. स्किनी वेरी थिन, बहुत पतली. शेल्फ क्या होती है, सपोर्ट फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को रखने के लिए ऐसी जगह जिससे उसको सपोर्ट मिले. वंडरफुल फैंटेस्टिक मतलब बहुत अच्छा. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से, लाइब्रेरी के दरवाजे ने क्या कहा. द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन, अंदर आओ अंदर आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक, जो बुक्स लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी वो कैसी दिखती थी. द बुक्स इन द लाइब्रेरी वर टोल, लंबी थी, स्किनी पतली थी, लिटल एंड फैट, छोटी और मोटी बुक्स थी वहाँ पे. व्हाई डिड द चाइल्ड इन द पोइम लुकिंग एट द पिक्चर्स, तो जो बच्चा था पोइम में वो पिक्चर मतलब जो फोटो बनी हुई थी बुक्स में उनको क्यों देख रहा था. द चाइल्ड इन द पोइम लुक्ड लाइक्ड लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज दे टोल्ड द स्टोरीज, वो इसलिए पिक्चर्स को देख रहा था, इसलिए वो फोटोज़ को देख रहा था, क्योंकि वो फोटोज़ उस बच्चे को सारी स्टोरीज बताती थी. तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. तो आपको चैप्टर कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.